What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे. तो आज अभी टाइम हुआ है 9:37 एंड डेट है 31st of December एंड मेरी क्रिसमस टू एवरीवन बिलेटेड, क्योंकि मैं क्रिसमस पर मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था. सेकेंड थिंग कि आज अपनी वाइट वुल्फ जो यहाँ पे खड़ी है उसका है सेकेंड बर्थडे. सेम मैंने 2 साल पहले इसकी डिलीवरी ली थी मेरे बर्थडे के टाइम पे, यानी कि आज मेरा भी बर्थडे है. सो इफ अगर आप लोग चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, विश कर सकते हो. एंड अभी मैं जा रहा हूँ स्पेशल काम से, तो निकलते हैं घर से. बट उसके पहले बाइक ऑन करना ज़रूरी है, तो बाइक ऑन कर देता हूँ. एंड कुछ चीज़ें मेरे बैग में भी, तो वो भी इंस्टॉल करवानी है. तो जल्दी से निकल दे क्योंकि ऑलरेडी अपने लेट हो चुके हैं. अभी एक हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, ये एग्जॉस्ट साउंड आप लास्ट बार सुन रहे हो. एंड भी इसमें क्या करवाने वाला हूँ, ये बाइक जा रही है, दूसरी बाइक आ रही है, कुछ और चीज़ करवा रहा हूँ, क्या करो तब तक आप लोग गैस कीजिए. तब तक मैं निकलता हूँ घर से, मुझे जहाँ पे जाना है वहाँ पे पहुँचते हैं. एंड माइंड भी आज मेरे फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, डोंट नो. क्योंकि 31st सब लोगों का प्लान है एंड आज स्पेशली मैंने किसी को इन्वाइट नहीं किया है. बट लेट्स सी आगे का क्या होता है, पहले घर से निकलता है. सो फाइनली आ चुके हैं अपने KTM लाल दरवाज़ा सर्विस सेंटर हर बार की तरह. एंड बाइक देनी है, आधे पौने घंटे का काम है. देखते हैं क्योंकि आज बाइक बहुत सारी लोगों के पास है. तो मितुल भाई ने बोला है स्पेशली कि थोड़ी देर रुकिए, कुछ करते हैं. एंड बस तो वेट करना है. एंड ऑलवेज थैंक्स टू KTM लाल दरवाज़ा, मुझे टाइम पे काम करके देते हैं. मैं शार्प 9:30. ओके सर, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. थैंक यू सो मच. जॉब कार्ड. सो फाइनली बाइक इज रेडी एंड काले हजी एक बार आवू पड़से, थोड़ूक काम बच्यू छे एना माटे. एंड हैंड गार्ड इंस्टॉल थई गया छे फाइनली. ओले गेट पास छे, एक गेट पास આપીને નીકળું. ફાઇનલી આફ્ટર લોંગ ટાઈમ હેવિંગ માય Hand guards back on the beast. Hey, I'm lagging. I'm lagging. Okay, yes, I'm riding something like adventure. Chalo. Thank you. સો ફાઇનલી નીકળી અહીંથીને. એન્ડ નાવ હવે હું જઉં છું બાઇકર્સ પોઈન્ટ અહેમદાબાદ શમીમભાઈની શોપ પર. સો ત્યાં થોડું ઘણું કામ કરાવડાવવાનું છે. એન્ડ નાવ યુ કેન સે કે બાઇકનો થોડું ઘણો લુક ચેન્જ થાય છે, પાછા મોડિફિકેશન સ્ટાર્ટ કરું છું હું. એન્ડ આ જગ્યા એવી છે કે ત્યાં તમને લોકોને બધું જ મળી જશે. લાલ દરવાજા જે બાઇકર્સ પોઈન્ટની આજુબાજુ બધી શોપ પર તમને બુલેટ્સની બી બધી વસ્તુ મળે, એની માટે એક ડેડિકેટેડ વિડીયો હું બનાવીશ. એન્ડ આજે હું જઉં છું એક્ઝોસ્ટ ચેન્જ કરાવડાવવા માટે. તો ત્યાં જે કંઈ પણ બી છે એ ડાયરેક્ટલી ત્યાં પહોંચીને જ વાત કરશું. મને ખોટો વ્લોગ લાંબો નથી કરવો, મોટો વ્લોગિંગ નહીં કરવું. સો તમને લોકોને બી મજા આવે એન્ડ ઇટ વિલ બી ધ ગુડ વ્લોગ નાવ. સો બસ ત્યાં પહોંચું એન્ડ પહોંચીને તમને લોકોને મળું. સો ફાઇનલી ઇટ્સ ટાઈમ ટુ સે ગુડ બાય to the original exhaust of Duke 250 and I hope aap logo ko awaaz aa rahi ho proper. Ho lo bhaiya chalega abhi. Shamim bhai kitni der mein aa rahe hai? To bhi aa rahe Shamim bhai jinki shop hai aur jaise aate hai waise aapko milwata hu. Pehle bhi ek bar mila diya but wapas is bar milunga. Finally Shamim bhai aa gaye, aur ek bar unse milwa deta hu. Shamim bhai ha कैसे हो? बस बस मजे. अपने को इस बार दो महीने से बात चल रही थी, अभी अपने को चेंज करना फाइनली डन.
तो इनके पास जो रेंज है वो तो दिखाने ही वाला हूँ, बट सबसे पहले उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो, बट अपनी बाइक में पहले एग्जॉस्ट चेंज करवाते हैं, काम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद अपना जो फाइनली बाइक का एग्जॉस्ट तो निकल गया है एंड जो विदाउट एग्जॉस्ट जो आवाज़ है वो मैं एक बार आपको सुनाना चाहता हूँ। हियर इज द किल स्विच, भैया साइड में आ जाओ ना एक मिनट। तो शमीम भाई के यहाँ पे आए और बिना चाय पिए ऐसा तो हो नहीं सकता। और दूसरी चीज़ की एक तो जैसन पाजी और दूसरा मैं दोनों चाय और कॉफ़ी पीने के लिए बदनाम है बहुत ज़्यादा। फ्री की चाय और फ्री की कॉफ़ी तो बहुत पसंद है। एंड बाइक का जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट था वो तो निकल गया एंड बाकी सारे एग्जॉस्ट जो है वो भी मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहे होंगे वहाँ पे है, तो सारे एक के बाद एक ट्राई करेंगे, जो अच्छा लगा वो डलवाएंगे। बट मेरे पास ऑलरेडी एक है जो मैं डलवाने वाला हूँ, मैंने पहले से स्पेसिफिक रखा हुआ है, बट उसके अलावा कोई पसंद आया तो देखते हैं। बाकी चाय पीते हैं और चेंज करवाते अपना एग्जॉस्ट। सो इट इज़ द फर्स्ट वन, ये कौन सा वाला एग्जॉस्ट है? SC प्रोजेक्ट विदाउट मफलर। अच्छा ये विदाउट मफलर है एंड सुना अब इसकी आवाज़। दूसरा देखते हैं, ये एकरा पोविक है विदाउट फिल्टर है, ये भी डालो। ये भी SC प्रोजेक्ट है बट ये मफलर के साथ, राइट? ये मफलर के साथ है। तो अभी तक तो मेरे को एक भी पसंद नहीं आया, बट इसका जो स्टॉक साउंड जो मैंने सुना विदाउट एग्जॉस्ट वो सबसे बेस्ट लगा मेरे को, तो अभी तक बहुत ज़्यादा ही लाउड है। और बाकी का देखते हैं कि कौन से है, और भी मैंने बोले हुए हैं वो सारे लेके आ रहे हैं। ये और एक है इकरा पोविक का, बट इसमें ब्रांडिंग नहीं लगाई हुई है, फर्स्ट कॉपी होता है। ये वाला भी ठीक है, जो मैंने सिलेक्ट किया है वो तो अभी तक आया नहीं है, वो आने के बाद देखते हैं कि कौन सा वाला ज़्यादा सूटेबल है। ये है रेनबो और इसका साउंड देखते कैसा है। थोड़ा पसंद है बट ये मेरी थर्ड चॉइस होगी, तीन चॉइस है बट इसमें से थर्ड वाला ये है। और हियर कम्स दी बेस्ट वन, एकरा पोविक एंड डालो इसको। ये और एक एकरा पोविक है, इसका साउंड सुन लो। ये भी वन ऑफ द बेस्ट है बट अभी जो मेरे को चाहिए वो वाला अभी तक आया ही नहीं है। वो वाला है एकरा पोविक बट उसमें न्यू चाहिए, पुराना वाला नहीं चाहिए। वन मोर एकरा पोविक डालो।
भाई इसने तो कान फाड़ के रख दिया, मज़ा है ये वाला सुन के। और दो तीन है वो सुनने और उसके बाद फाइनल वाला शॉर्टलिस्ट करना। एक और है मियो एंड स्टार्ट करो। इस वाले में तो कुछ खास मज़ा आई नहीं, बट जो मैंने अभी शमीम भाई आएंगे उनसे एक बार बात करके डाल देंगे। ये और एक है इकरा पोविक, मैट ब्लैक है, इसको सुनते एक बार। सारे एग्जॉस्ट आ गए, सिर्फ शमीम भाई की वेट कर रहा हूँ, शमीम भाई आएंगे वैसे ही फाइनल करके डालना अपने को एग्जॉस्ट। सो फाइनली आमा एग्जॉस्ट नखाई रही थे, एक राउंड लेवा जाऊँ छू जो है कि क्यों रहे थे। अपना इकरा पूरी लग चुका है एंड सबसे बेस्ट बात यह है कि लिया है डाला उसके बाद से अभी तक इसमें बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया एंड बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग है। शमीम भाई से बात कर लेते हैं, पेमेंट करते हैं, निकलते हैं। तो चलिए शमीम भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, उसके ग्राफिक्स के लिए आपसे ही बात करनी है, ठीक है ना। चलो डन, चलो भैया थैंक यू सो मच, चलो थैंक यू भैया, चलो भैया थैंक यू, चलो हाँ चालू है वीडियो, सब लोग आ गए आप लोग। तो फाइनली हो चुका है, एक बार आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। शमीम भाई ने कान बंद कर लिए, बहुत सही लगा है। चलो शमीम भाई मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है, चलो डन। तो ફાઇનલી બાઇકનું લાગી ગયું છે એક્ઝોસ્ટ એન્ડ હવે નીકળું છું હું રિવરફ્રન્ટ જોવા માટે, ત્યાં જઈ અને એક બે શોર્ટ્સ લઈશ અને પછી વિડિયો એન્ડ કરી દેવું ગઈશ। સો બસ ગાઈસ, તો હું રિવરફ્રન્ટ જાઉં, રિવરફ્રન્ટ જઈ અને ડાયરેક્ટલી તમને લોકોને ત્યાં જ મળું। ફાઇનલી ગાઈઝ હું આવી ગયો છું રિવરફ્રન્ટ અમદાવાદ એન્ડ તમને લોકોને બાઇક્સના થોડાક સિનેમેટિક શોર્ટ્સ બતાવી દઉં એન્ડ બાઇકનો ઓવરવ્યૂ આપી દઉં કે બાઇક આફ્ટર એક્ઝોસ્ટ કેવી લાગે છે। સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ કેન સી ધી બેઝ લુક વિચ આઈ એમ ગેટિંગ રાઇટ નાઉ। પહેલા વાળાનો ફોટો અને આ વાળો બંનેનો ફોટો તમને સાઈડ સ્ક્રીનમાં દેખાડી દઈશ, અત્યારનો થોડુંક સેક્સી લાગે છે એન્ડ બિટ લાઉડર। અત્યારે આમાં મેં એક્ઝોસ્ટમાં છે એ મેં ડિબિકલર નથી લગાડેલું, ડિબિકલર નીકાળી દીધું છે। ધેર વોઝ અ સો સિમ્પલ, અહીંયાથીને ક્લિપોન્સ ખાલી એક નીકાળવાનું હતું એન્ડ બાકી બેન્ડ પાઇપ ડાકી અને એક્ઝોસ્ટ નાખી દેવાનું હતું। લોંગ પ્રોસેસ કશું નથી, બટ યસ એક્ઝોસ્ટ સિલેક્ટ કરવામાં ટાઈમ લાગી ગયો, જસ્ટ બીકોઝ ઓફ મારે જે જોતું હતું એ અવેલેબલ નહોતું એન્ડ આ વાળું ધી બેસ્ટ છે આફ્ટર એવરીથિંગ। મેં બધા જ એક્ઝોસ્ટ જોઈ લીધા, ઇવન મેં R1M વાળું બી જોયું, બટ મને એટલી મજા ના આવી। બટ હવે આ વાળું જે છે ઇટ્સ બિટ લાઉડર એન્ડ બિટ મોર સેક્સી દેન અધર વિચ આઈ હેવ સીન રાઇટ નાવ એન્ડ અત્યારની કન્ડિશન તમે લોકો જોઈ લો, થોડીક ડસ્ટી છે બાઇક, આઈ યુ ઓલ નો કે મને ડસ્ટી બાઇક થોડી વધારે ગમે છે। બાકી ગાઈઝ બાઇકનો લુક કેવો લાગે છે પ્લીઝ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કહેજો એન્ડ રાઇટ નાવ આઈ એમ સો હંગરી કે મને જમવા જવું છે ઘરે, બટ ફ્રેન્ડ્સ જવા નથી દે, બટ આના એક બે સિનેમેટિક શોર્ટ્સ તમને લોકોને બતાવી દો અને પછી નીકળું।
फॉर द लास्ट टाइम एग्जॉस्ट नोट तुमने लोगों ने संभड़ावी दो। सो गाइज फाइनली इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम द रियर फ्रंट। अहीं बधुं ज थई गयुं, विडियोज भी लई लीधा एंड आई होप तमने आजनो व्लॉग गम्यो हशे। एक्झोस्ट मैं चेन्ज करावडावी एंड हवेथी रेग्युलरली व्लॉग्स करूँ छूँ। प्लीज डू सपोर्ट मी एंड आई होप आजनो व्लॉग तमने गम्यो हो तो गम्यो हो तो डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, ना गम्यो हो तो डिसलाइक करजो। मळीए त्यां आवाज एक बीजा व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केर, बी सेफ, राइड सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। साइनिंग ऑफ दिशांत।